हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एमसीक्यू ऑन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स फॉर क्लास टेंथ लेट स्टार्ट सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्या होंगे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो दिस इज एन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यहां पर वेरिएबल क्या है एक्स है और ए और बी क्या है रियल नंबर्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वेरिएबल्स हैं यहां पर एक्स एंड वाई एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स रियल नंबर्स क्या है इनका डिटेल्स का मैंने एक वीडियो बनाया है उसको देख लेंगे तो आपको रियल नंबर्स और कितने तरह के होते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा सो एबीसीआर रियल नंबर्स वेयर ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो ये दोनों जीरो नहीं होते हैं हेंस वी कैन राइट इट एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अब मान लीजिए ए वन एक्स प्लस बी वन बाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू बाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो दीज आर टू लीनियर इक्वेश इन टू वेरिएबल्स अगर इनको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स और बाई के वैल्यूज आ जाएंगे या नहीं भी आ सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ ए वन बी वन सी वन एंड ए टू बी टू सी टू तो यही हमें देखना है ये क्वेश्चन दो प्रकार की होती हैं। नंबर वन कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट का मतलब हैविंग सल्यूशन सल्यूशन मींस एक्स और वाई की वैल्यू निकल सकती है लेकिन सल्यूशंस भी दो तरह के होते हैं यूनिक सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन मीन्स एक्स और वाई की सिंगल वैल्यू निकलेगी ओनली वन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वन वैल्यू ऑफ वाई देन वी कैन से द इक्वेश आर कंसिस्टेंट हैविंग यूनिक सोल्यूशन दूसरा इसका कंसिस्टेंट में दूसरे हो सकते हैं इन्फाइनाइट मैनी सोल्यूशंस बहुत सारे x और y की इंफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं, तो उसको कहते हैं इंफानाइट मैनी सोल्यूशंस तो इक्वेशन का एक टाइप तो ये हो गया और जिसको हम कहेंगे यूनिक कंसिस्टेंट uh, और कंसिस्टेंट मींस हैविंग सल्यूशन और सल्यूशन दो तरह के हैं यूनिक सल्यूशन एंड इंफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस दूसरा ये इक्वेशन हो सकती है इनकंसिस्टेंट 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 मींस नो सोल्यूशन यानी ऐसी इक्वेशंस जिनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा अब हम ये देखना चाहते हैं कि किन कंडीशन में ये यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा यानी कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी ये दो इक्वेशन तो देखिए ये सारी थ्योरी करने के बाद आपको ये जो क्वेश्चंस एमसीक्यू दिए हैं वो बहुत इजी हो जाएंगे तो पहली कंडीशन है ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू अगर ऐसा आ जाए यहाँ से ए वन और ए टू का रेशियो बी वन और बी टू का रेशियो निकाल लें और ये इक्वल ना हो तो हम कहेंगे कि जो इक्वेशंस हैं वो कैसी हैं कंसिस्टेंट हैं कंसिस्टेंट माने इनका सल्यूशन है और वो सल्यूशन कंसिस्टेंट है सल्यूशन कैसा है यूनिक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन माने एक्स और वाई की सिंगल वैल्यूज आएंगी अगर हम इनका ग्राफ खींचे तो ये लाइन इंटरसेक्टिंग आएंगी इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग मीन्स अगर ग्राफ खींचते हैं तो इस तरह की लाइनें आएंगी जो किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी और इससे हम इजीली एक्स और बाई की वैल्यूज निकाल सकते हैं ऐसी लाइन को हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। अब इसके बाद मान लीजिए दूसरी कंडीशन आती है ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू तो ऐसी लाइन भी कंसिस्टेंट कहलाएंगे। माने इनका सोल्यूशन है लेकिन कितना सोल्यूशन है इनफाइनइट सल्यूशन और अगर जब हम इनका ग्राफ खींचें तो ये पैरल कोइंसीडेंट लाइन आते हैं माने एक लाइन का ग्राफ और दूसरी लाइन का ग्राफ एक साथ मिल जाएगा जैसे यहाँ पर ए वन एक्स प्लस बी वन बाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो और यही लाइन रिप्रेजेंट करेगी ए टू एक्स प्लस बी टू बाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो तो ये लाइन कैसी कहलाएगी? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन है तो इसका मतलब है कि कंसिस्टेंट है और इन्फाइट मैनी सोल्यूशंस हैं ये लाइन कैसी कहलाएंगे इंटरसेक्टिंग ग्राफ इसका इंटरसेक्टिंग होगा और तीसरी कंडीशन हो सकती है ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू तो ये ऐसी लाइन को कहते हैं इनकंसिस्टेंट। मीन्स नो सल्यूशन इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा और ग्राफ कैसा होगा पैरल लाइन्स मतलब अगर हम ग्राफ खींचें तो ये लाइन इस तरह किया जाएगी पैरल होंगे बस के इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती हैं ऐसे ये लाइन ऐसी है इस तरह भी हो सकती है कोई होंगे ये इंटरसेक्टिंग ये लाइन कैसी हैं इंटरसेक्टिंग तो ये सारी थ्योरी एक बार आप पढ़ लीजिए फिर क्वेश्चंस आप करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए बी सी आर आपको ही बताया मैंने थ्योरी में रियल नंबर्स। सेकेंड ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी इक्ल टू जीरो इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वे आर ए बी सी आर रियल नंबर एंड ए बी आर नॉट बोथ जीरो देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो ये भी थ्योरी में बताया है थर्ड टू लीनियर इक्वेशंस आर सेट टू बी इनकंसिस्टेंट, इनकन्सिस्टेंट मीन्स नो सल्यूशन और नो सल्यूशन का मतलब है ए फोर्थ क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं आपको इन्फेनाइटली मैनी सोल्यूशंस के लिए के की वैल्यू चाहिए है तो के एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू के माइनस थ्री और सेकंड है ट्वेल्व एक्स प्लस के वाई इक्वल टू के आपको मालूम है कि इंफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन्स के लिए ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू ए वन ए टू क्या होते हैं इक्वेशन होती है ए वन एक्स प्लस बी वन बाई इक्वल टू सी वन ए टू एक्स प्लस बी टू बाई इक्वल टू सी टू यानी ए वन एक्स का कोफिशेंट दैट इज के और ए टू बाई का कोफिशेंट ट्वेल्व बी वन बाई का कोफिशेंट थ्री बी टू बाई का कोफिशेंट के और सी वन कांस्टेंट टर्म के माइनस थ्री सी टू पस टू को ले लीजिए पहले यानी आप क्या करेंगे इन दोनों को सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू थर्टी सिक्स ट्वेल्व इंटू थ्री थर्टी सिक्स और के इंटू के के स्क्वायर के इक्वल टू प्लस माइनस एक्स अगर आप लास्ट टू को लेंगे तो फिर ये देखते हैं के कितना आएगा इन दोनों के ले लीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए के का पहले इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस थ्री के और सी टू कितना K है के है इक्वल टू थ्री के तो के स्क्वायर ये साइड आएगा तो माइनस सिक्स के इक्ल टू जीरो के कॉमन के माइनस सिक्स इक्ल टू जीरो के इक्ल टू जीरो और के इक्ल टू सिक्स तो तीन वैल्यूज़ हो गए आपके पास के जीरो सिक्स एंड माइनस सिक्स आंसर में आप देख रहे हैं एक ही वैल्यू दी है तीनों में से कोई एक वैल्यू करेक्ट है तो तीनों वैल्यूज एक एक करके इसमें रखना पड़ेंगी और जिसके लिए ये एक, तीनों इक्वल आएंगे वही वैल्यू के इक्वल टू जीरो नहीं रख सकते क्योंकि थ्री अपॉन जीरो इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो के इक्वल टू जीरो पॉसिबल नहीं है के इक्वल टू सिक्स रख के देखिए सिक्स अपॉन ट्वेल्व वन अपॉन टू थ्री अपॉन सिक्स वन अपॉन टू सिक्स माइनस थ्री थ्री अपॉन सिक्स वन अपॉन टू तीनों इक्वल है इसका मतलब है के इक्वल टू सिक्स दैट इज आंसर इज बी क्वेश्चन नंबर फाइव पेयर ऑफ लाइंस हैव नो सोल्यूशन तो देखिए कैसे करते हैं थ्री एक्स प्लस बाई इक्वल टू वन और सेकेंड लाइन है टू के माइनस वन एक्स प्लस के माइनस वन बाई इक्वल टू टू के प्लस वन अब आपको पता है कि नो no सोल्यूशन का मतलब ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू तो ए वन मीन्स थ्री ए टू मींस टू के माइनस वन बी वन मीन्स वन बी टू मीन्स के माइनस वन सी वन मीन्स टू के प्लस वन और सी वन मीन्स वन अपॉन टू के प्लस फर्स्ट टू ले लीजिए तो थ्री से पहले इसमें मल्टीप्लाई थ्री के माइनस थ्री टू के प्लस माइनस वन का वन में तो टू के माइनस वन थ्री के माइनस टू के के इक्वल टू माइनस थ्री साइड जाएगा प्लस थ्री थ्री माइनस वन टू के इक्वल टू टू अब इन दोनों को ले लीजिए टू के प्लस वन इक्वल टू के माइनस वन इन वन के साइड आएगा तो k इक्वल टू माइनस टू के इक्वल टू टू से चेक कर लीजिए माइनस क्योंकि आंसर एक ही चाहिए आपको और एक ही होगा भी k इक्वल टू टू रखेंगे तो थ्री अपॉन फोर माइनस के की जगह टू 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 जो फोर माइनस वन थ्री थ्री अपॉन थ्री वन टू माइनस वन वन तो वन अपॉन वन वन टू टू जो फोर प्लस वन वन अपॉन फाइव नॉट इक्ल टू सी वन अपॉन सी टू चाहिए यानी के एकल टू टू इज़ द करेक्ट आंसर माइनस टू रख के भी चेक कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उससे आएगा कि ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू आएगा जो कि गलत है तो आंसर इज सी क्वेश्चन नंबर सिक्स द पेयर ऑफ लाइंस आर ये क्या है इनकसिस्टेंट या कंसिस्टेंट इसके लिए हमें क्या करना है टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू फाइव इक्वेशन लिख लेंगे और फिर इसके बाद ए वन अपॉन ए टू निकाल लीजिए कितना आएगा टू अपॉन सेवन बी वन अपॉन बी टू निकालिए आएगा थ्री अपॉन एलेवन और सी वन अपॉन सी टू भी निकाल लीजिए फाइव अपॉन नाइन आप यहाँ से देख रहे हैं कि ए वन अपॉन ए टू कितना है टू अपॉन सेवन बी वन अपॉन बी टू कितना है थ्री अपॉन एलेवन इक्वल नहीं है और आपको पता है कि इफ ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू देन द लाइन्स आर कंसिस्टेंट हैविंग यूनिक सोल्यूशन सो आंसर इज बी सेवेंथ क्वेश्चन देखिए एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वारेट्रल आर साइक्लिक क्वारेट्रल के एंगल्स दिए हैं एक्स और बाई की वैल्यूज निकालने हैं ए बी सी डी क्वारिटल है इसके चारों वर्ट से सर्किल की सरकम पर है और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू वन एंगल बी इज 5x एंड एंगल डी इज 3x एक्स प्लस ट्वेंटी This is equal to 180. So eight x is equal to 20 side angle 160. so x is equal to twenty. Uh, angle a plus angle c this is also 180 means supplementary. So angle a 6 x plus 10 and angle c is given x plus by. दिस इज इक्वल टू वन एट्टी सो सिक्स एक्स प्लस एक्स सेवन एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन साइड जाएंगे वन सेवेंटी एक्स हमें पता है वन ट्वेंटी प्लस वाई इज इक्वल टू वन सेवेंटी सो वाई इक्वल टू वन सेवेंटी ट्वेंटी इंटू सेवन वन फोर्टी सो दिस इज थर्टी थर्टी मीन्स ट्वेंटी एंड थर्टी देट इज क्वेश्चन नंबर एट अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ लाइंस इज ये लाइन से रिप्रेजेंट करने वाला ग्राफ कैसा होगा ये पूछा है तो आपको पता है अगर हमें ग्राफ पता करना है तो इक्वेशन लिख लेंगे और ट्वेंटी वन एक्स माइनस फोर्टी नाइन बाई इक्ल टू सेवेंटी सेवन फिर निकालेंगे ए वन अपॉन ए टू कितना आएगा थ्री अपॉन ट्वेंटी वन ये कितना हो जाएगा वन अपॉन सेवेन फिर निकालिए बी वन अपॉन बी टू ये माइनस सेवन अपॉन माइनस फोर्टी नाइन ये भी वन अपॉन सेवन फिर निकालिए सी वन अपॉन सी टू इलेवन अपॉन सेवेंटी सेवन ये भी वन अपॉन सेवन तो इस तरह से ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू तो ये किसकी कंडीशन है कोइंसिडेंट लाइन की सो लाइंस आर क्वेंसीडेंट ये थ्योरी में मैंने आपको पहले ही बताया है क्वेश्चन नंबर नाइन ये दो इक्वेशंस दिए हैं इनको सॉल्व करके एक्स और y की वैल्यू निकालने है. कैसे निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन को पहले लिखेंगे और इससे x या y की वैल्यू निकाल कर सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे तो x इज इक्ल टू आएगा a अपॉन बी बाई सेकेंड इक्वेशन है एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें सब्सिट्यूट करेंगे तो x की जगह हमने रख दिया a अपॉन बी बाई प्लस बी बाई इज इक्ल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर बाई प्लस बी स्क्वायर बाई इक्वल टू बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई इक्वल टू बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल सो बाई इक्वल टू बी बाई इक्वल टू बी अगर इसमें रखेंगे एक्स अपॉन ए अपन एक्स ए अपॉन बी बाई और बाई आ गया बी तो एक्स इज इक्वल टू ए सो एक्स इक्वल टू ए बाई इक्वल टू बी यानी एक्स इक्वल टू ए बाई इक्वल टू बी आंसर इज है नाउ क्वेश्चन नंबर टेंथ अ फ्रैक्शन बिकम्स वन अपॉन थ्री वेन वन इज सब्टेक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर

वन सब्टैक्ट कर लिया जाए तो ये वन अपॉन थ्री हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इक्वेशन बन जाएगी थ्री एक्स माइनस थ्री इक्वल टू बाई तो थ्री एक्स माइनस बाई इक्वल टू थ्री अब डिनमिनेटर में अगर एट ऐड कर दिया जाए तो ये वन अपॉन फोर हो जाती फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से दूसरी इक्वेशन बनेगी फोर एक्स माइनस बाई इक्वल टू एट तो ये दोनों जो इक्वेशन हैं इनको अगर आप सॉल्व करें फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन तो आप देखेंगे तो एक्स इज ईक्ल टू फाइव आएगा एक्स इक्वल टू फाइव अगर यहाँ रख दें या यहाँ रख दें तो थ्री एक्स माइनस बाई इक्वल टू थ्री थ्री इंटू फाइव माइनस बाई इक्वल टू थ्री तो इक्वल टू फिफ्टीन माइनस थ्री दैट इज ट्वेल्व तो एक्सिकल टू फाइव इक्वल टू थ्री यानी फ्रैक्शन क्या हो गया फाइव अपॉन ट्वेल्व दैट इज आंसर बी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं ये हम कंटीन्यूस आपको अगले चैप्टर के वीडियोस देते रहेंगे और साथ ही साथ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी मैंने प्रिपेयर किए हैं वो भी आपको आने वाले वीडियोस में मिलेंगे